भाषाओं में धांधली करके आपने ये व्यवस्था बनाया ही है धांधलेबाजी के लिए, आपने ये व्यवस्था बनाई ही है सरकारी नौकरियां खत्म करने के लिए। लेकिन आपसे पकड़ा नहीं जा रहा है कि पेपर लीक करवा कौन रहा है, धांधली करवाया किसने, एनटीए बनाया किसने। सरकार चाहती है कि ये जो नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, नफरत भेजे। जो धरना चला रहे हैं वो मुझे लगता है, और सारे ही वो लोग जो शिक्षा व्यवस्था के महत्व को समझते हैं और एक देश का भविष्य, वो भविष्य ऐसे एक देश का भविष्य दिखे जो देश संविधान के नियमों से चलते हो, जिस देश में नागरिक होने का कुछ मूलभूत अधिकार हो, कुछ सम्मान हो। एक आज़ाद हिंदुस्तान, एक डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान, ऐसा एक हिंदुस्तान जो कुछ नियमों से चलते हो, तो उस देश के सिटीजन्स का कुछ तो मूलभूत अधिकार वो गारंटीड होने चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा एक दौर है जिस दौर में एक तरफ अगर शिक्षा से बड़े मात्रा में हिंदुस्तान के आम छात्र नौजवानों को, आम घर से आए हुए छात्रों को धकेला जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, तो उसी के साथ साथ खुलेआम एकदम आमना सामनी हिंदुस्तान के छात्रों का, जो मेहनत के साथ पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने घर के आर्थिक संघर्षों को झेलते हुए पढ़ाई लिखाई करते हैं, महिलाएं वो अपने घरों का बंधन, समाज का बंधन, सोशल प्रेजुडिस, दलित वो समाज का प्रेजुडिस, समाज का बंधन, समाज के बनाए हुए जो बाधाएं हैं उसको एक तरीके से लांघते हुए पढ़ाई करते हैं, मुसलमान जो एक बहुत ही होस्टाइल समाज में, होस्टाइल सिस्टम में वो मेहनत करते हैं और इस आशा से मेहनत करते हैं कि शायद मेहनत करने से, शायद रात जग के पढ़ने से, शायद अपना नींद गायब करके पढ़ने से अगर मैं एग्ज़ाम अच्छा दे दूंगी तो शायद वो भविष्य, वो वादा, जो वादा संविधान ने किया, जो वादा एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक देश अपने नागरिकों को करता है, वो वादा शायद पूरा होगा। बात तो मेरे मेहनत की है, मैं मेहनत करूँगा तो होगा, और मेहनत लोग करते भी हैं। लेकिन सरकार ऐसी आई है, निज़ाम ऐसी आई है जो इस देश के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास का कंज्यूमर, अंधविश्वास, स्यूडो साइंस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, नफरत, इसके कंज्यूमर के अलावा और भी किसी रूप से देखने में असमर्थ है। सरकार चाहती है कि ये जो नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ नफरत भरा मैसेज व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भेजे और वाह वाह करे नरेंद्र मोदी का, निजाम का, कि भाई प्रधानमंत्री है तो ठीक ही किए होंगे, उन्होंने किया तो ठीक ही किए होंगे, और इसी लायक एक ऐसे देश के जिस देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड हाईएस्ट है इस समय दुनिया में, हिंदुस्तान ऐसा एक देश है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, और उसी के साथ साथ इसी पॉपुलेशन में जो नौजवानों का भागीदारी है वो सबसे ज़्यादा है। इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण जंक्चर में हम लोग खड़े हैं। अगर हम अपने नौजवानों को सम्मान के साथ, अधिकार के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा आने वाला भविष्य, इस देश का आने वाला भविष्य, वो एक डेवलप्ड होगा, वो एक प्रोग्रेसिव होगा, आगे बढ़ा हुआ होगा। और आज अगर हम नौजवानों को ये समझाएं कि कोई सरकार नहीं है जो तुम्हारे मेहनत को मर्यादा देता हो, पिछले 5 सालों में लगभग 41, सिर्फ 5 सालों का बात मैं कह रही हूँ, 2014 से तो बात छोड़ ही दीजिए, ये डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट कह रहा है कि लगभग 50 एग्जाम्स का पेपर लीक हुए और इसमें लगभग 4.5 करोड़ नौजवान वो इफेक्टेड हुए, 4.5 करोड़ नौजवान, कोई मजाक की बात नहीं है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, UPPCS हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सारे एग्जाम रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में धांधलियां निकल रही हैं। एक तरफ अगर जो परमानेंट नौकरी है उनका पोस्ट खत्म करके 30 लाख सिर्फ केंद्रीय सरकार के नौकरी का पोस्ट वेकेंट है, उसको पूरा नहीं किया जाएगा। नए लेबर कोड्स आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट,
the concept of permanent employment, the concept of dignified employment with certain social rights, social securities, वो अगर एक तरफ खत्म किया जा रहा है बहुत संस्थागत तरीके से कानूनों के माध्यम से जो सरकारी कंपनियां हैं उनको बेच के, तो दूसरे तरफ सारे परीक्षाओं में धांधली करके एक अद्भुत जो है इल्यूशन कि भाई हम तो तुमको नौकरी देना चाहते थे, हम तो चाहते थे तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, लेकिन धांधली हो गई। धांधली करवाया किसने, एनटीए बनाया किसने? अगर आपके पास ऐसे कानून है, आप स्नूप कर ले रहे हैं, आप सिटीजन्स के व्हाट्सएप में घुस जा रहे हैं इजराइल का सॉफ्टवेयर लेके, आप लोगों के लैपटॉप तक घुस जा रहे हैं, लेकिन आपसे पकड़ा नहीं जा रहा है कि पेपर लीक करवा कौन रहा है। मसला ये है कि आपने ये व्यवस्था बनाया ही है धांधलेबाजी के लिए, आपने ये व्यवस्था बनाई ही है सरकारी नौकरियां खत्म करने के लिए, और इसीलिए एनटीओ को जाना होगा। और अगर शिक्षा क्षेत्र में हम लोग बात करें, एनटीओ को जाने का मतलब है कि ये जो एक सेंट्रलाइज प्रक्रिया है, वन नेशन वन एग्जामिनेशन इन अ कंट्री लाइक, या वन नेशन वन एजेंसी इन अ कंट्री लाइक इंडिया, दिस वन वन फॉर्मूला डज नॉट वर्क एंड इट हैज फेल्ड। यू आर रनिंग अ सेंट्रलाइज्ड करप्शन सिस्टम। राज्य सरकारों को उनका अधिकार वापस दो, प्री नीट जमाने में वापस जाओ, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाओ, स्टेट गवर्नमेंट्स करवाए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, स्टेट एक एक राज्य में कौन इंजीनियर बनेगा और कौन डॉक्टर बनेगा, उन बच्चों का भी हक रहे, उन स्टूडेंट्स का भी हक रहे जो स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़ाई किया है, जो तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ाई किया है, वो भी इस देश का नागरिक है। नीट को खत्म करो। तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो राजन कमेटी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था, उस राजन कमेटी के स्टडी, उसका स्टडी जो है बहुत ठोस रूप से दिखा रही है कि नीट से पहले अगर गांव से आए हुए बच्चों का, गांव से आए हुए छात्रों का नीट एग्जाम पास करने का दर 61% के आसपास था, तो 2020-21 में आके गांव से आए हुए छात्रों का पास करने का दर 41% हो जा रहा है। समझिए, 20% गांव के छात्रों को बाहर धकेला जा रहा है कि वो इंजीनियर नहीं बनेंगे, वो डॉक्टर नहीं बनेंगे। वही राजन कमेटी का स्टडी दिखा रहा है कि CBSE और ICSE बोर्ड से पढ़े, इंग्लिश मीडियम से पढ़े स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स के पास करने का तादाद नीट में 2020-21 में 2016-17 से पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये जो पूरा व्यवस्था है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्थापित नहीं हुआ है कि मोदी जी और अमित शाह के चहेते करप्ट लोग व्यवस्था को चलाएंगे, ये तो एक कारण है ही, उसी के साथ साथ एक संस्थागत बहिष्कार स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए स्टूडेंट्स का, रीजनल लैंग्वेज से पढ़े हुए स्टूडेंट्स का, गांव और छोटे शहरों से आए हुए स्टूडेंट्स का बहिष्कार हो, इसका प्रक्रिया है। एनटीए को ध्वस्त किया जाए, उसी के साथ साथ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का जो ऑटोनॉमी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन टेस्ट कराता था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक क्वालिटी है सबको पता है, बहुत बढ़िया हुआ करता था। JNU अपना अलग JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता था, MA DU में अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, ये एकेडमिक ऑटोनॉमी वापस दिया जाए। NTA का कोई जगह नहीं है, नीट जैसे एग्जाम का कोई जगह नहीं है, इसको और इंक्लूसिव किया जाए और ये आंदोलन आप लोगों का चले और सक्सेसफुल हो, इसी उम्मीद के साथ इनकलाब जिंदाबाद।